कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में Realme 9i के साथ Infinix Note 11s का डिटेल स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है या रैम मैनेजमेंट अच्छा है। उसके पहले दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन बता दूं। Infinix Note 11s में मिलता है MediaTek Helio G96 चिपसेट, 6.95 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का यहां पे रिफ्रेश रेट दिया है। हमारे पास है 6GB 64GB वेरिएंट जिसका प्राइस 14,000 रुपीस। Realme 9i में मिलता है Snapdragon 680 चिपसेट, 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। हमारे पास है 4GB 64GB और इसका भी प्राइस 14,000 रुपीस। ऊपर मैं पॉइंट दे दूंगा कौन सा फोन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा फोन पहले ओपन करता है। यहाँ पे Infinix पहले ओपन किया है। Infinix के फोन में 3,37,000 के आसपास आया है। Realme 9i में 2,48,000 के आसपास AnTuTu स्कोर आया है। खैर, हम लोग यहाँ पे टेस्ट अगेन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले AnTuTu बेंचमार्क को कंप्लीट कर पाता है। Realme 9i में फाइनली यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क रन हो चुका है, जो स्कोर आया है 2,47,000। जल्दी जल्दी यहाँ पे Realme 9i में AnTuTu बेंचमार्क रन हुआ है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, Realme 9i में जो AnTuTu है 3D लाइट रन हो रहा था। यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल AnTuTu 3D रन हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइट AnTuTu 3D रन हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी हो गया है। मैंने Realme 9i में नॉर्मल AnTuTu 3D को रन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन नॉर्मल 3D यहाँ पे नहीं चला। यहाँ पे मुझे 3D लाइट डाउनलोड करके फिर रन करना पड़ा मुझे। Infinix Note 11s में भी यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क रन हो चुका है और 3,32,000 AnTuTu स्कोर आया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा दूं, यहाँ पे देख लीजिए जो नॉर्मल 3D है वही रन हुआ है। AnTuTu बेंचमार्क रन करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखा दूं, कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेसबुक को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले करता है। दोनों ही फोन लगभग सेम टाइम में किया है। को ओपन करते हैं और यहाँ पे Infinix सबसे पहले रिलोड किया है, रिलोड नहीं पेज लेकर आया है। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले Infinix प्ले स्टोर को ओपन किया है। Flipkart को ओपन करते हैं, Flipkart भी सबसे पहले हमारा Infinix किया है। Instagram को यहाँ पे ओपन करते हैं, Instagram भी पहले यहाँ पे देख लीजिए Infinix किया है। YouTube यहाँ पे ओपन करते हैं और YouTube भी Infinix पहले लेकर आया है। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, जो वाईफाई है वो दोनों ही फोन में सेम वाईफाई मैं कनेक्ट किया हूँ, ताकि जो स्पीड है वो दोनों ही फोन में सेम मिले। ऐसा मत बताना कि वाईफाई में अलग अलग कनेक्ट किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो सब्सक्राइबर फील्ड में चलते हैं और देखेंगे रैम मैनेजमेंट के टाइम में। कैमरा ओपन करते हैं, यहाँ पे कैमरा में भी बहुत जल्दी जल्दी ओपन किया है Infinix। Myntra को ओपन करते हैं, Myntra यहाँ पे भी पहले लेकर आया है, Infinix पहले लेकर आया है। चलो यहाँ पे Amazon को ओपन करते हैं और Amazon यहाँ पे Amazon भी पहले Infinix लेकर आया है। Realme बहुत टाइम लगा रहा है। हॉटस्टार को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन पहले हॉटस्टार को ओपन करता है। यहाँ पे हॉटस्टार भी पहले Infinix ओपन किया है। क्या कर रहा है, Realme को काम करना चाहिए दोस्तों। चलो अभी PUBG को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन पहले बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को ओपन करता है, क्योंकि यहाँ पे ही सब कुछ डिसाइड होता है। दोनों ही फोन में मैं सेम टाइम में टैप कर दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे Infinix इंटरफेस लेकर आया है और Realme थोड़ा लेट करके लेकर आया है। PUBG यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले Infinix ओपन किया है और Realme अभी भी लोडिंग में है, यहाँ पे देख लीजिए। और अभी जाके यहाँ पे Realme 9i में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ओपन हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन किया था, सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे मैं रैम में रखा हूँ। Infinix के फोन में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐप यहाँ पे रैम में रखता है। बाकी जो सारे एप्लीकेशन बाद में रहेगा, वो सारे एप्लीकेशन को फ्रीज कर देता है, रैम में नहीं रखता है। Infinix के फोन में मुझे यही दिक्कत दिखाई देता है, जबकि Realme के फोन में हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। Infinix के फोन में यहाँ पे प्ले स्टोर तक है, उसके पहले ये जो क्रोम और फेसबुक था वो गायब कर दिया है। दोनों को मैच करने के लिए यहाँ से हम लोग फेसबुक और क्रोम को गायब कर देंगे और यहाँ से ही हम लोग रैम मैनेजमेंट को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे Realme में देख लीजिए रैम में नहीं था, फिर से रिलोड किया है। Flipkart यहाँ पे है, Flipkart को ओपन करेंगे, रैम में है लेकिन Realme रैम में बिल्कुल भी नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ पे Instagram को ओपन करेंगे, रैम में है, ये रैम में बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो Realme को यार बहुत काम करना चाहिए। Facebook नहीं YouTube को ओपन करते हैं, रैम में है और ये फिर से रिलोड कर रहा है, देखिए, और होम पेज में लेकर आया है। क्यों ऐसा कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे Myntra को ओपन करेंगे,
रैम में है और रियलमी फिर से रिलोड कर रहा है। और यहाँ पे अमेजोन को ओपन करेंगे, इन्फिनिक्स के रैम में है, फिर से रिलोड कर रहा है। हॉटस्टार यहाँ पे देख लीजिए, हॉटस्टार भी फिर से रिलोड कर रहा है लेकिन इन्फिनिक्स के रैम में है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियरली देख लीजिए। अभी देखिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रैम में है, रियलमी 9i फिर से रिलोड कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ हो जाता है कि रियलमी 9i के पास मत देखना, इसका रैम मैनेजमेंट घटिया है और परफॉर्मेंस भी बेकार है, इस फोन के पास बिल्कुल भी मत देखना। दोनों फोन का जो प्राइस है वो 14,000 है। दोनों फोन में से एक फोन को आप बोलोगे मुझसे चुनने के लिए, ऑब्वियसली इन्फिनिक्स का फोन चुनूंगा। ये फोन क्यों रियलमी लॉन्च किया है मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छी तरीके से ना तो ऑप्टिमाइज किया है और ना ही तो रैम मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है। तो आपके हिसाब से आप लोग खरीद सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।